मंथन स्मार्ट क्लास पे। तो आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे, आज यूपी स्पेशल के बारे में चर्चा करेंगे। हमें क्या करना है कि यूपी स्पेशल को हमें दो चार और वीडियो में आपके सामने आएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और जितनी वीडियो भी पढ़ी है वो काफ़ी भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको ज़रूर जाइएगा, पहले देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो पहले क्या करेंगे, वीडियो जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या होगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज हमें क्या है, यूपी स्पेशल के बारे में चर्चा करना है। यूपी स्पेशल में हमने पढ़ा था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जो इम्पोर्टेंट रूप से जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारी देश को आज़ाद करने में या हमारी उत्तर प्रदेश या देश को एक विकास की ओर ले जाने में बड़ी इनकी भूमिका रही है, तो हमें उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं और हमें उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि हम एक यूपी के नागरिक हैं तो, या हम नागरिक नहीं भी हैं तो क्या हुआ, हमें किसी और राज्य के नागरिक हैं तो हमें हर राज्यों के जो बड़े बड़े क्या हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनको हमें फॉलो भी करना चाहिए, उनको समझना भी चाहिए, उनके आदर्शों पर भी चलना चाहिए। तो वही आज हम चर्चा करेंगे, कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट्स हैं यूपी में, जो व्यक्ति हैं जो जन्मे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी क्या है, हमारे ये इम्पोर्टेंट है। इसके वजह से हम क्या करेंगे, इनको पढ़ना पड़ेगा और हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यूपी के प्रमुख व्यक्ति के बारे में। तो अगर यूपी के प्रमुख व्यक्ति के बारे में बात करें तो हम आज क्या करेंगे, लगभग 8 या 9 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, देखिएगा कौन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, वो होंगे कौन हमारे, वो होंगे हमारे, सबसे पहले बात करेंगे तो बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और बाणभट्ट के बारे में चर्चा करें तो जो बाणभट्ट थे ये कौन थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे, कवि थे और बड़े विद्वान भी थे। तो ये हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है, कवि कवि और विद्वान, ये बड़े बड़े विद्वान, मतलब बड़े विद्वान थे ये। तो ये हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है, में रहते थे, ये रहते थे, और ये कवि और साथ में क्या थे, विद्वान थे। क्या होता है, इनकी अगर हम बात करें तो इनकी जो एक बड़ी फेमस क्या है, पुस्तक है, पुस्तकें इनकी जो आती रहती हैं, इनकी क्या है, पुस्तकें हैं बड़ी फेमस सी, तो देखिएगा वो कौन कौन सी। एक तो आता है हर्षचरितम और दूसरा कादंबरी, ठीक है, हर्षचरितम और कादंबरी इनकी दो बुकें हैं। एक तो हर्षचरितम हर्षचरितम और दूसरा कौन सा है, कादंबरी। तो यहां पर जो हर्षचरितम लिखा है तो इसका यह मतलब नहीं कि ये हर्षवर्धन ने इन्होंने इसको लिखा है, नहीं, किसने लिखा है, तो बाणभट्ट लिखा है इन्होंने, बड़ी अच्छी बुक है इनकी, ठीक है, आप कहीं मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। कौन कौन सा, हर्षचरितम और साथ में कौन सा, तो एक कादंबरी, ये दोनों बड़ी फेमस बुकें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बाणभट्ट के बारे में, ये कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ये कवि थे, बड़े बड़े विद्वान थे, ये बड़े बड़े विद्वान थे, और इनकी दो बुकें हैं, कौन सी, हरिश्चंतम और कादंबरी, ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए अगला नाम जो हमारे सामने आएगा दूसरे नंबर पर जो हमारा नाम होगा, देखिए दूसरे नंबर पर जो हमारा नाम है वो देखिए, वो है आपके सामने आएगा रानी लक्ष्मीबाई का, किसका, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई की बात जब आएगी तो हम बात करें कि इनका जो जन्म स्थान के पूछ लिया जाता है कि जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो जन्म की बात करेंगे तो आप बताएंगे जो वाराणसी पड़ता है हमारा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी
और इनके बचपन का नाम बात करें तो इनके बचपन में जो नाम था, इनका बचपन का जो नाम था, वो नाम की बात करें तो नाम था मनु और मणिकर्णिका। दूसरा नाम क्या क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। इनका दो नाम था, इनके बचपन का नाम था, ठीक। और चलिए देखिए इनके बारे में और क्या कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ठीक है, कौन थी। तो हम बात करें कि ये कौन थी, तो इनकी हम जब चर्चा करते हैं तो इनके साथ में इनके पिताजी का नाम भी आएगा। देखिए कौन है पिताजी इनके, तो जब आप देखेंगे जो मराठा जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र ठीक है, नाना साहब मोरोपंत की ये क्या थी, तो ये इनकी पुत्री थी, ठीक है। अब याद करना लक्ष्मीबाई किसकी पुत्री थी, तो नाना साहब जो थे उनकी पुत्री थे। नाना साहब कौन थे, तो नाना साहब जो मराठा पेशवा थे, ये अंतिम पेशवा थे, कौन? बाजीराव द्वितीय, ठीक है। तो इनके दंतक पुत्र नाना साहब की ये पुत्री थी, कौन? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। बात करें कि इनके दादाजी थे उनको एक अलग नाम से पुकारते थे, और क्या पुकारते थे, तो इनको छबीली के नाम से पुकारते थे, छबीली, ठीक है, छबीली के नाम से बुलाते थे, ठीक है, छबीली के नाम से बुलाते थे, ठीक है, इनके जो पिताजी के थे छबीली के नाम से बुलाते थे। और दूसरी बात करें कि इन्होंने जो तलवारबाजी सीखी और घुड़सवारी, रानी लक्ष्मीबाई ने जो तलवारबाजी और घुड़सवारी जो सीखी, ये इन्होंने बाजीराव द्वितीय से ही सीखी थी। क्या? बाजीराव द्वितीय से ही सीखी थी। तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी वो इनसे ही सीखी थी। और बात करें कि इनका पालन पोषण कहाँ हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण कहाँ हुआ, तो पालन पोषण की जब बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ, तो ये बिठुर कानपुर में हुआ। कहाँ हुआ? बिठुर कानपुर में। तो ये याद रखिएगा। और इनकी जब क्या हुई, जब इनकी मैरिज हुई, ठीक है, इनकी जब मैरिज हुई यानी कि विवाह हुआ, वो के क्या थे, झांसी के गंगाधर राव से हुआ। और बड़ी ही दुख की बात रही, क्या कि ये बहुत ही जल्दी ये विधवा हो गई, बहुत जल्दी ये क्या हो गई, विधवा हो गई। तो अब जब इनके झांसी में जब इनका विवाह हुआ, ठीक है, जब झांसी में इनका विवाह हुआ, तो ये अब मनु से इनका नाम पड़ गया क्या, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, विवाह के बाद। याद रखना, विवाह के बाद जो इनका नाम हो गया वो नाम क्या हो गया, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई पहले नहीं था, जब विवाह हुआ उसके बाद में नाम हुआ इनका। और इन्होंने भी क्या किया कि 1857 की क्रांति में
ठीक 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया। ठीक है, ये नेतृत्व किया इन्होंने कहां से, तो झांसी से, और 1858 में इनकी क्या हुई, इन्होंने वीरगति को प्राप्त कर ली। ठीक है, तो ये हमारे क्या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में काफी इंपॉर्टेंट हमने ये जितना बताया आपको, इसको बारे में याद रखिएगा यहाँ से कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो आप चाहें तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला, अगला जो नाम आएगा आपके सामने तीसरे नंबर का, वो नाम कौन सा होगा, सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां, तो अगर इनकी बात करें कि सर सैयद अहमद खां कि इनका जो जन्म हुआ, अगर जन्म की बात करें तो ये इनका जन्म कहाँ, दिल्ली में हुआ, दिल्ली में 1817 ईस्वी में हुआ। और ये क्या थे, जो अंग्रेजी सत्ता थी तो उस समय अंग्रेजी सत्ता में ये क्या थे, एक अच्छे खासे पोस्ट पर क्या थे, ये विद्वान थे, क्या थे, अच्छे खासे पोस्ट पर विद्वान थे। फिर इनके बाद में इनके अंदर क्या, देश की जो क्रांतिकारी भावना थी इनके अंदर भी जगी, और ये देश के आह्वान के लिए यानी देश को आज़ाद कराने के लिए ये भी सामने आए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो जो मुस्लिम शिक्षा थी, जो मुस्लिम समुदाय में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूर करने का इन्होंने काम किया। और साथ में क्या किया कि मुस्लिम समुदाय में इन्होंने नई शिक्षा लाने का उत्साह प्रोत्साहित किया। तो अब बात करें कि इन्होंने इसी की दृष्टि से इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे स्कूलों की भी क्या की, इनकी स्थापना की। कि बात करें तो इन्होंने मोहम्मडन ओरिएंटल एंग्लो, इन्होंने क्या किया, एक कॉलेज की स्थापना की। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, पहला कौन सा, मोहम्मडन मोहम्मडन ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। और कहाँ की, तो अलीगढ़ में की। ठीक है, कहाँ की इन्होंने, तो अलीगढ़ में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान तो इनका दिल्ली था, लेकिन कर्म भूमि क्या थी इनकी, तो ये अलीगढ़ में काफी ये फेमस हुए यहाँ आकर। ठीक है, तो उसके बाद में इन्होंने फिर बाद में आगे चलकर जब ये मोहम्मडन एंग्लो इन्होंने ओरिएंटल किसकी स्थापना की, तो इन्होंने साथ में इन्होंने कॉलेज की भी स्थापना की। अब बाद में चलकर ये कॉलेज क्या बना, अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट हुआ। तो इसके बाद याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां के बारे में। फिर उसके बाद में देखिए जो चौथे नंबर पर आपका नाम आएगा, चौथे नंबर पर वो आएगा, ठीक है, बिस्मिल्ला खां का। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल भी आएगा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। बात करें ये कहाँ के हैं, तो ये कहाँ के थे, तो ये शाहजहांपुर के हैं। कहाँ के हैं ये, शाहजहांपुर के हैं। कहाँ के हैं ये, शाहजहांपुर के हैं। शाहजहांपुर के हैं।
ठीक है, ये शाहजहाँपुर के, इनका जन्म 1897 में हुआ, और ये काकोरी कांड जब 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कहाँ बनता है, ये लखनऊ में पड़ता है, कहाँ लखनऊ में पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने सरकारी खजाने को लूटा था। इनके साथ साथ में कौन कौन था, तो इस साथ में रोशन सिंह भी थी और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, तो ये लोग थे। तो याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल ये यूपी के किस जिले के से बिलोंग करते हैं, शाहजहाँपुर में, ठीक है। और ये संबंधित किससे हैं, तो काकोरी कांड के ये प्रमुख व्यक्ति थे इसमें, काकोरी कांड। काकोरी कहाँ पड़ता है, तो काकोरी पड़ता है लखनऊ के पास, लखनऊ में पड़ता है ये। और कब हुआ ये काकोरी कांड, तो 9 अगस्त, ठीक है, 1925 को। चलिए अगला देखिए, ये 1925 है, याद रखिएगा। अगला देखिए, आगे जो अगला नाम आएगा सामने वो आएगा कौन, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इनके अगर जन्म की बात करें, तो इनका जन्म जो हुआ वो प्रयागराज में हुआ, तो 27 दिसंबर 1861, कहाँ, प्रयागराज में हुआ, कहाँ पर हुआ, प्रयागराज में। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बात करें तो जो हमारा BHU है, हिंदू विश्वविद्यालय की, इन्होंने क्या की थी, स्थापना भी की थी, किन्होंने, इन्होंने की थी, बात करें तो BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में, ठीक है, 1916 में, इनके बारे में याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आपका अगला जो आएगा ये कौन सा है, आपका 5 नंबर, ठीक है, फिर इसके बाद में 6 नंबर, 6 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे बात करें हम, तो हमारी कौन आ जाएगी, बेगम हजरत महल। बात करें ये कौन है, तो इनकी जब हम बात करेंगे ये कौन है, तो ये अवध के जो अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब, अंतिम नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह, कौन थे, थे वाजिद अली शाह की ये क्या थी, पत्नी थी, ठीक है, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अब हुआ क्या कि इनको कोलकाता में इनको कैद कर लिया गया, किनको, वाजिद अली शाह को, ठीक है, अब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया गया, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, कैद कर लिया गया कोलकाता में, कहां, कोलकाता में, किसने किया, तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज द्वारा, अंग्रेजों ने क्या किया है, इनको कैद कर लिया, किसको, इनके पति को, कौन, वाजिद अली शाह को, इन्हीं कारणों से क्या कर दिया कि बेगम हजरत जो महल थी, इन्होंने 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या कर दिया, लखनऊ से नेतृत्व प्रदान कर दिया, ठीक। तो इनकी, और इन्होंने क्या किया, जब इनको कैद कर लिया गया इनके पति को, तो फिर इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र, इनके पुत्र था, नाबालिग पुत्र था,
अपने पुत्र बिरजिस कादिर को, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया, करके 1857 की क्रांति में लखनऊ से, याद रखेंगे क्या, लखनऊ से नेतृत्व प्रदान किया, और बात करें कि लड़ते, हालांकि थोड़ा मतभेद है कि बेगम हजरत महल की मृत्यु हुई या ये कहीं भाग गई, तो अगर बात करें कि मृत्यु नहीं हुई थी, ये क्या हुई थी, ये नेपाल चली गई थी, कहाँ चली गई, नेतृत्व प्रदान किया, और अंतिम समय में, ठीक है, ये कहाँ चली गई, तो ये नेपाल चली गई थी, याद रखना नेपाल, ठीक, तो नेपाल चली गई अंतिम समय में, नेपाल चली गई ये। फिर देखिए अगला नाम जो आएगा आपके सामने, वो आएगा किसका, निजामुद्दीन औलिया का। किसका नाम आएगा आपके, आठवें नंबर पे आएगा कौन सा, निजामुद्दीन औलिया। अगर हम बात करें कि जो निजामुद्दीन औलिया हैं, तो इनका जन्म कब हुआ, तो 1236 की डेट आती है, कब, 1236 ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, ठीक। जिला कौन है यूपी का, जिला है आपका बदायूं, कौन सा जिला है, बदायूं, ठीक, बदायूं जिले में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, किसका, निजामुद्दीन औलिया के, और ये चिश्ती संप्रदाय के क्या थे, संत थे, ठीक है, याद रखिएगा कि ये चिश्ती संप्रदाय के थे, ठीक है। बकाई पर क्वेश्चन पूछता है कि ये संप्रदाय इनका क्या था, तो चिश्ती संप्रदाय, कई बार क्वेश्चन आ चुका है चिश्ती संप्रदाय, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इनके गुरु के नाम की बात करें कि इनके गुरु कौन थे, तो गुरु की बात करेंगे तो बाबा फरीद, कौन थे, बाबा फरीद इनके गुरु थे। इनके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, अगर शिष्य की बात करेंगे तो शिष्य कौन थे, आपको बताया मैंने, अमीर खुसरो, कौन थे, अमीर खुसरो। चलिए अगला हम लोग नाम देखते हैं नवे नंबर पे नाम आएगा आपका कौन, लाल बहादुर शास्त्री का। बात करें इनका जन्म, जो जन्म हुआ वो जन्म, जन्म की बात करेंगे तो जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1904 में, कब, 2 अक्टूबर 1904 में। और जिला कौन सा है, खूब पूछता है जिला को लेकर, तो जिला कौन सा है, मुगल सराय, मुगल सराय, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ, मुगल सराय। दो बातें में और याद रखेंगे इनके बारे में, क्या दो बातें ये याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु, ठीक है,
पद पर रहते हुई थी, पद पर रहते हुई थी, और ये देश के, यानी कि ये देश के कह सकते हैं आप सेकेंड पीएम, यानी कि दूसरे पीएम थे, ठीक है, दूसरे पीएम थे भारत के, याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कुछ रहस्यमयी है, क्या है, एक रहस्यमयी है। और ये ऐसे पीएम है कि जिनको जो भारत रत्न है वो दिया गया था मृत्यु प्रांत, ठीक है, यानी कह सकते हो कि मरणों मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति की अगर बात करें हम, पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये आएंगे आपके कौन, जो लाल बहादुर शास्त्री, कौन आएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ये क्या थे कि मरणोपरांत पाने वाले पहले क्या थे, भारत रत्न को मिला था। और दूसरी अब देखिए आपके जो 9 नंबर का था, 10वें नंबर का है, 10 नंबर पे आप देखिएगा, तो ये आपसे सिर्फ इतना याद रखिएगा, इनके बारे में जितना बताया है इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं एग्जाम में मिलने वाला। देखिए 10 नंबर पे एक नाम आएगा आपके सामने होगा, अजीमन, ठीक है, अजीमन बेगम, ये भी एक नाम बड़ा है अजमन बेगम। ये सिर्फ इतना पूछता है कि ये कहाँ की थी, तो बताना ये इनका जो स्थान था वो कहाँ का, लखनऊ का, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ। ये बाद में चली गई थी कानपुर, बाद में कानपुर, बाद में ये कानपुर चली गई, तो याद रखिएगा इनके बारे में। तो ये हमारा अंतिम नाम था इस लिस्ट में, ठीक है, कि अजमन बेगम ये कहाँ की, लखनऊ की थी, और ये क्या मतलब एक बता सकते हैं, ये वाजिद अली शाह के दरबार में रहती थी, बाद में ये लखनऊ से कानपुर चली गई थी। तो हमारे यूपी स्पेशल हमने क्या किया कि यूपी के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है, इसको हमने दो वीडियो में कवर किया है, आप सब दोनों को देखिएगा, और ये काफ़ी एग्जाम यहाँ से जो होते थे वहाँ मिलते रहते हैं। तो आगे जो हम वीडियो करेंगे तो उसमें कुछ अलग नाम आपको बताएंगे जो धार्मिक रूप से जुड़े होंगे लोग, जैसे कबीरदास सूरदास के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा वीडियो आज यहीं पे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और क्या करिएगा जो हमारा ये सब्सक्राइब है, ठीक है, इसको ज़रूर कराइएगा, और इस परिवार को आप बढ़ाइएगा ज़रूर, मंथन परिवार को, ताकि हमें भी मोटिवेट आप करते रहें, हम भी होते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।